फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधा अमरनाथ को जाता है और ये है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ, पवित्र अमरनाथ की यात्रा आरंभ होती है। पीछे आप वाटरफॉल देख रहे हो, मुझे ये वाटरफॉल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दूध की नदी बह रही हो। पहलगांव में ये हमारा आज दूसरा दिन है और आज हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी घूमने। और चंदनवाड़ी में क्या देखने लायक है, क्या वहाँ अच्छा है, वहाँ की लोकेशन क्या है, आज हम उसको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं चंदनवाड़ी। दोस्तों, आज गंगा दशहरा है और एडी गंगा दशहरा तो नहीं कर बना रहा है, लेकिन ये पता नहीं कौन सी नदी है। और देखो पानी की कितनी बढ़ाई कर रहा है। अभी मैं भी पहुँचता हूँ वहाँ पर। प्यारी प्यारी भेड़ बकरियों, हमें भी रास्ता दे दो, हमें भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, चंदनवाड़ी पहुंचना है। दोस्तों, कश्मीर बहुत खूबसूरत है, कश्मीर के लोग भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे हैं। कश्मीर के रास्ते, कश्मीर की वादियां, हर एक चीज़ में यहां सुंदरता बिखरी हुई है, इसीलिए धरती का स्वर्ग कश्मीर को कहा जाता है। मेरे पास तो यार शब्द ही नहीं रहे कश्मीर की तारीफ करने के लिए। जिस तरफ भी नज़र उठा लो, खूबसूरती बिखरी हुई है, चप्पे चप्पे पर खूबसूरती बिखरी हुई है। अभी यार देखो, हम चंदनवाड़ी पहुँचे भी नहीं और रास्ते में इतने खूबसूरत खूबसूरत व्यू आ रहे हैं, इतने खूबसूरत वाटरफॉल आ रहे हैं। एक वाटरफॉल ख़त्म होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है, मन करता है बस यहीं रुक जाओ, वहीं यहीं ठहर जाओ। दोस्तों, हम लोग जा रहे थे चंदनवाड़ी, लेकिन मैं रास्ते में आपको बता नहीं सकता कितने खूबसूरत वाटरफॉल आ रहे हैं। मेरे पीछे आप वाटरफॉल देख रहे हो, मुझे ये वाटरफॉल नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे दूध की नदी बह रही हो, बिल्कुल ऐसा दूध की तरह ये पानी आ रहा है। मतलब मेरी आँखें विश्वास नहीं कर पा रही कि इतना सफ़ेद पानी। और ठीक मेरे ऊपर आप देखोगे वो ट्रायंगल शेप में दो बर्फ़ की चोटियाँ दिखाई दे रही, पूरी तरीके से बर्फ़ से ढकी हुई हैं। मतलब स्नो इतना है, बर्फ इतनी पड़ी हुई है उस पे से, ये उसी से पिघल पिघल के ये पानी आ रहा है। पानी देखो यार दोस्तों आप, मतलब इतना सुंदर ये कश्मीर है, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। नदी देखो आप, कितना साफ सुथरा पानी है। और पेड़ देखो, देवदार के बड़े बड़े पेड़। कश्मीर बहुत ज्यादा खूबसूरत है दोस्तों, आप कश्मीर जरूर आइए, जरूर आइए कश्मीर। इतना खूबसूरत कश्मीर देखने के लिए उम्र छोटी बढ़ जाएगी दोस्तों, इतना खूबसूरत एक कश्मीर है। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधा अमरनाथ को जाता है और ये है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी से ही अमरनाथ, पवित्र अमरनाथ की यात्रा आरंभ होती है। इस समय क्योंकि अमरनाथ की यात्रा आरंभ नहीं है, उस सीजन नहीं है, तो इसलिए ये लोग बाग यहीं चंदनवाड़ी में घूम रहे हैं। ये चंदनवाड़ी में सीधे आपको वाइट वाइट कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये बर्फ है जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। और अभी हम बैठे हुए हैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में, क्योंकि अभी हमें थोड़ी सी भूख लगी हुई है और एडी ने ऑर्डर कर दिया है ब्रेड पकोड़ा और चाय के लिए। ये देखिए एडी मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसे अभी ब्रेड पकौड़ा खाने को मिलेगा, देखते हैं कैसा मिलता है। फ्रेंड्स, हम चंदनवाड़ी पहुंच गए हैं और सामने आप देख रहे हैं ग्लेशियर। उस ग्लेशियर से ही पिघल पिघल के आप देखेंगे नीचे, उस गुफा से एक टनल सी बनी हुई है, उसमें से वो पानी आ रहा है। और देखिए कितने टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है पानी, देखिए एकदम वाइट दूध की तरह, टूरिस्ट फुल एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो ग्लेशियर ऊपर तक, चलो अब ऊपर चल के देखते हैं, ग्लेशियर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पीछे आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, चंदनवाड़ी का ग्लेशियर बहुत ही खूबसूरत है। ऊपर तक है ये ग्लेशियर, लेकिन आगे जा नहीं सकते, ये आप मैं आपको दिखाऊंगा क्यों नहीं जा सकते, कारण क्या है नहीं जाने का, मैं
मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर तार लगाई हुई है, आपको तार दिखाई दे रही होगी। ग्लेशियर तक नहीं जाया जा सकता, तो आपको यहीं से देखना होगा दोस्तों। व्यू देखिए खूबसूरत। पहलगाम आए तो चंदनवाड़ी जरूर आइए, इस ग्लेशियर को जरूर देखिए। विंटर्स में ये और भी खूबसूरत हो जाता है। खूबसूरत, ब्यूटीफुल ग्लेशियर और ये बहता हुआ पानी। चंदनवाड़ी पहलगाम से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ साहब चंदनवाड़ी का पूरा लुत्फ उठाते हुए। और पीछे देखिए ग्लेशियर, पानी कैसा है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, चंदनवाड़ी का ये सफ़र, ये झरने, ये नदियाँ, ये वादियाँ अगर आपको पसंद आ रही हैं, हमारा कश्मीर का ये सफ़रनामा आपको पसंद आ रहा है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं कश्मीर की एक और खूबसूरत वीडियो के साथ, एक खूबसूरत जगह के साथ।